दिखाई दे रहा। तो गाइस ये है पाली सब्जी, देखो कौन सा नाम क्या इसका, अरबी राय पत्ते। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आज का नया ब्लॉग। तो अभी मैं आया हूँ एक गांव में, ये आप गांव देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आया हूँ अभी दूध लेने के लिए, क्योंकि हमने दूध लगवा रखा है यहाँ से, क्योंकि हमारे वहाँ पे भैंसे नहीं है तो करके, और तो दूध लेते आएंगे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग दूध ऐसे ही लगाते हैं, और यहाँ पे दूध का रेट भी ठीक है, अच्छा रेट है, काफ़ी अच्छा प्योर दूध मिलता है। तो अभी यहाँ से हम दूध लेके आएंगे, तो अभी हमें जाना है ऊपर, दूध लेके आएंगे। और टाइमिंग इनका दूध का जो है वो 11 बजे के वापस होता है। अब देखो रास्ता कैसे हम जाएंगे अभी। हेलो, कितना अच्छा व्यू है, देखो काफ़ी प्यारा व्यू है। अभी इस बार जो ताई हैं वो ताई नहीं, अभी ताई नहीं आ पाई हैं, तो मैं ही जा रहा दूध लेने के लिए। पहाड़ों पे सर्वाइव करना मुश्किल है, हमें खाली फोटोज में अच्छा लगता है कि भाई पहाड़, बट यहाँ पे हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आगे शुरू घूमूंगा, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। यहाँ की खूबसूरती अलग है, मस्त है। दूध के लिए बोला था, हाँ पहले तो में ठीक है। कितने बजे आता है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, नमस्ते यार। दूध मिल गया, सो गाइस इनकी वजह से आज हम दूध पी रहे हैं। थैंक यू चुंगू मुंगू मुन्नी, बाय। देखो दूध ले जा रहा हूँ मैं, दूध लेके जा रहा हूँ, दूध लेके जा रहा हूँ, देख रही। तो गाइस यहाँ पे इतना अच्छा है कि दूध दूध भी मिल जाता है एकदम प्योर, और अभी ठंड का टाइम है तो दूध भी ज़रूरी है। हम खेत तो खेत जा रहे हैं, खेत हैं यहाँ पे लोगों के, तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे कहीं भी ज़मीन बना लें, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको रजिस्टर, यहाँ की पंचायत, बहुत कुछ होता है। पहले हम ऐसे जाते थे दौड़ दौड़ के, अभी थकान लग जाती है इतने में। सो चेक करो व्यू, काफ़ी अच्छा है, धूप काफ़ी ऊपर आ गई है, अभी 12 बज गए होंगे, हाँ 12 बज गए अभी। तो अभी गाड़ियाँ खड़ी है, हम दूध लेके जाते हैं। सो गाइस ये है रोड, हम सीधा अपने वापस घर जाएंगे यहाँ से, है ये है एरिया, चेक करो कितना प्यारा है। यहाँ से हम आए, यहाँ से चलेंगे अपना दूध लेके, दूध भी कितना प्योर है, देख रहे हो हमें यहाँ पर कितना पानी मिलता है दूध में, मतलब आधा ऊपर पानी तैर रहा होता है।
इसको हम निकाल देते हैं। चलो गाइस अभी चलते हैं अपने घर और देखते हैं वहाँ पे क्या कर रहे हैं। आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पे चल रहा है लेबर का काम, देखो। बन रहा है घर, तो आपको दिखाऊंगा पूरा घर का वीडियो भी और इसी के साथ साथ आपको चीज़ें भी आगे ब्लॉग में आती रहेंगी। अभी मैं नीचे ही जा रहा हूँ, मम्मी को दूध दे देता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स के पेड़ हैं, पता है आपके नीचे, लेकिन वहाँ तो जंगल हो रखा है, चक्कर में मैं जा नहीं पा रहा। और यहाँ पे अमरूद भी काफ़ी लगे हुए हैं, तो नाशपाती भी इस टाइम होते नहीं है, बट उसका पेड़ भी लगा रखा है मैंने। तो यहाँ से जा रहे हैं, ये हमारा सड़क का रास्ता है। तो ये हमारी बुआ का घर जो अभी नहीं रही हमारे साथ। काफ़ी हमने यहाँ खाना खाया है, हमारी बहुत अच्छी जगह थी डेली। सोचो हम इतने ऊपर पहाड़ से आते थे पैदल, और आने के बाद हम यहाँ पे उनके यहाँ खाना खाते थे। यहाँ देखो ये भी अमरूद का पेड़, अमरूद का पेड़, यहाँ पे अमरूद के पेड़ बहुत है। एक ये लगा अमरूद का पेड़, देखो। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे अपने घर की तरफ। सो गाइस हम यहाँ पे खाना खाते थे, बहुत याद आती है हमें। यहाँ पे यहाँ बैठता था पापा, वहाँ मम्मी, यहाँ बुआ यहाँ बैठती थी, सुन्ना दीदी वहाँ पे। अब वो नहीं रही है हमारे साथ, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और एक्सपायर हो गई। ये हमारी सबसे अच्छी जगह थी अब खाना खाने की, बहुत याद आती है। तो गाइस इंसान आज है कल नहीं पता नहीं, बट आज का दिन सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं इनको देख भी नहीं पाया क्योंकि मैं उस टाइम बाहर था दुबई में, मैं देख भी नहीं पाया इनको। और बहुत याद आती है बुआ आपकी, यहाँ पे खड़ी होती थी बुआ, यहाँ पे खड़े होके बोलती थी आगे गोकुल रवि आ गए। रवि मेरे भाई का नाम है। हमने क्या कुछ नहीं खाया, मतलब बुआ ने दूध भट्टी दाल सब्जी, हम रात को यहीं खाते थे 12-12 रोटियाँ। आज थोड़ा सुनसान है, ये जो देख रहे हो ना, ये कभी बुआ ने कभी ऐसा नहीं किया कि यहाँ गंदगी हो, मैंने अच्छे से रखा था। आज यहाँ पे कोई झाड़ उग गई है। ये रास्ता, एक रास्ता है, आपको रास्ता दिखाता हूँ। ये रास्ता था हमारे आने का, आज ये रास्ता पूरा जंगलों में ढक गया। यहाँ पे रहती थी बकरी, भैंसें रहती थी, हम पहले दूध यहीं से लेते थे। इनका गोट है जहाँ पे अंदर रहती थी गाय भैंसे वगैरह, आज सब बंद है। उसका सुनसान हो गया, उनकी आत्मा को शांति दे। अभी हम चलते हैं अपने घर की तरफ और दूध देते हैं। वैसे ही हमारा घर अभी बन रहा है। तो गाइस की वीडियो आएगी पूरी तो आपको दिखाऊंगा। यहाँ मम्मी अभी बर्तन बर्तन साफ कर रही है। आगे दूध तफी का है हमारा, तफी तफी, ये देख क्या है, ये देख कौन है यार, ओहो कौन आ गया, सो रखा है तू, सो रखा है, देख दूध ले आया, मैं दूध ले आया, हाँ दूध आया, दूध हाँ दूध आया, टफी दूध आया, क्या कर रहा था, तो वैसे एक दूध इन्होंने दिया है वहाँ पे, हमारे छोटे से गांव में वहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने भी दूध दिया है थोड़ा सा, बट दिया तो सही, यहाँ दूध की बहुत दिक्कत है। तो दिखाई नहीं दे रहा, तो वैसे ये है पाल सब्जी, देखो कौन सा नाम क्या इसका, अरबी, राय पत्ते, लहसुन,
ये देखो टमाटर, धनिया, सब सब्जी है ये। चलो चलो बैठो कहीं बाल जगह इसमें। चलो हो गया, हाँ चाय बना दो। चलो ये प्लेट किस लिए? अच्छा मंदिर के लिए आए हो? कब कहाँ? अच्छा यहाँ की प्लेटों में हर जगह ना पहाड़ियों में प्लेट में ये होता है हमेशा, फूलों के पत्ते। फूलों के पत्ते कभी नहीं छोड़ते हैं, हमेशा लगा के रखते हैं। देखो गाइस यहाँ पे इनकी निशानी है पहाड़ियों की, ये देखो फूल के पत्ते होते हैं। देखो ये फूल 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 हर जगह फूल ही फूल होता है। तभी तू कहाँ पर आया जब के मार रहा पर? हाँ अच्छा ये बैठ जा, मैंने तो लगाया अपने बैठा है। चलो ऊपर आओ, वहाँ बैठो, वो जगह है उसकी टपरी की, बैठो ऊपर। वेरी गुड, बैठे यहाँ पे बैठे। हाँ टपरी ने खाना खा लिया? So guys, यहाँ पे देखो अंदर घर के अंदर कितनी धूप आ रही है। यहाँ पढ़ोगे इसको? वहाँ तो है हमारे पास। तो गाइस कल हम गए थे कास्तरी अपनी है हमने जो हल्द्वानी, बस हमने हल्द्वानी से लिए हैं ये सब चीजें। तो मम्मी यहाँ पे इसका पाठ पढ़ेंगी। तो वैसे यहाँ पे देखो कितनी धूप आ रही है घर के अंदर ही। तो अभी शीशा लगेगा जब यहाँ पे धूप कितने अंदर आएंगी, यहाँ से आ रही धूप। तो वैसे अभी टाइम थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा इसमें बनने में, जब बन जाएगा ना तो जैसे कहते हैं ना बहुत चक्कर लगेगा। तो बस धूप आटा फिर वहाँ बैठ गया है, धूप से के भी आ गया। तो हम चलते हैं ऊपर और ऊपर का आपका दिखाते हैं नजारा। चलो धूप मिल गया, अब हम रेडी होते हैं। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग आज का? तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, सपोर्ट करो खूब। और जिन्होंने मेरे वीडियोस नहीं देखी हैं वो वीडियोस में डाल रखे हैं ऑलरेडी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन मत दबाना मत भूलना। तो मेरे चैनल का नाम @UttarakhandiGSMVlogs है, आप चेक कर सकते हैं उत्तराखंडी। ओके तो आप सपोर्ट करो खूब दबा के। चलो मिलते हैं गाइज आपको, तब तक के लिए बाय बाय। ये है हमारा उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।